चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं माया, 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। नरसिंहपुर के कोटेगांव में लोकप्रिय नेता सुरेंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मानेगांव के बिछिया के समीप अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोली से हमला कर दिया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। नरसिंहपुर की करेली बस्ती स्थित दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरे मामले की शिकायत फरियादियों ने थाने में दर्ज कराई और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को आगरमालवा की नलखेड़ा तहसील में लोगों ने मौन श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही पाकिस्तान का पुतला दहन किया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। आगरमालवा में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह से फिर से बारिश हुई तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। 13 तारीख के दिन शाम को जो ओलावृष्टि हुई वो इतनी हुई कि हमारी सारी फसल चौपट हो गई और गेहूँ, चना, सरसों सारी फसलों में इतना नुकसान हुआ कि आज हमारे मेहनत भी नहीं निकल रही उसमें। गिर गई ओलावृष्टि, पानी इतना गिरा कि सारी सरसों खत्म हो गई। कल शाम को 13 तारीख की शाम को सारी सरसों खत्म हो गई। और खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना